बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी बेटी के बारे में जिन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है। दंगल फिल्म का एक संवाद बिहार की इस बेटी के लिए एकदम सटीक बैठता है कि हमारी बेटियां बेटों से कम हैं। के सच में बिहार की यह बेटी किसी बेटे से रत्ती भर भी कम नहीं है। यह पहला मौका था जब कोई महिला फाइटर पायलट बनकर आसमान को छू रही थी और देश को सलाम कर रही थी। 26 जनवरी 2021 को बिहार की बेटी सुखोई 30 पर बैठकर पूरे देश की सुरक्षा और अपने कर्तव्य का वचन दे रही थी। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं भावना कांत के बारे में। भावना कांत का जन्म 1 दिसंबर 1992 को नारायण कांत और राधा कांत के यहाँ जन्मी थी। यह बचपन से ही खो खो, बैडमिंटन, तैराकी और पेंटिंग की शौकीन रही थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद साल 2014 में इन्होंने बेंगलुरु के बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आगे की पढ़ाई की। इसके बाद काम करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS में नौकरी करने के लिए चली गई। पढ़ाई के बाद नौकरी करने के बाद यह कहा जा रहा था कि अब भावना अपने जीवन में स्थिर हो गई है, लेकिन अभी भावना को आसमान देखना था, इस ऊंचाई तक पहुंचना था, पंछियों की तरह आसमान में खुद को उड़ना था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वायुसेना में जाना चाहिए। टाटा में काम करते हुए ही इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया, जिसमें वह सफल हो गई। पास होने के बाद उन्होंने पायलट बनने की इच्छा जाहिर की और उन्हें पायलट मिल भी गया। ऐसा लग रहा था जैसे भावना का एक सपना इस तरह पूरा हो रहा हो। इसके बाद साल 2015 में केंद्र सरकार ने भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ साल 2016 में पहली बार महिला लड़ाकू पायलट के रूप में IAF में शामिल हुई। वह नवंबर 2017 में लड़ाकू स्वाइन में शामिल हुई और मार्च 2018 में MiG-21 वाइस पर अपनी पहली बार एकल उड़ान भरी थी, जिसके बाद पहले ही बैच में भावना कांत का चयन हो गया। दो अलग अलग प्रशिक्षणों के मिलने के बाद भावना कांत साल 2018 में पहली बार MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। फ्लाइंग ऑफिसर भावना कांत ने 16 मार्च 2018 को MiG-21 वाइस की एकल उड़ान भरी थी। उसके लगभग 1400 घंटे पर अंबाला वायुसेना स्टेशन से MiG-21 की एकल उड़ान भरी। इसके साथ साथ वह अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की दूसरी महिला लड़ाकू पायलट बन गई थी। दुनिया भर में वाइस को 340 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से टेक ऑफ गति के साथ उच्चतम लैंडिंग के लिए माना जाता है। भावना ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा के दो अन्य बैच के साथियों के साथ यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी और फ्लाइंग ऑफिसर मोहना सिंह के साथ मिलकर यह कमीशन को पूरा किया था। इसके बाद 19 फरवरी को IAF अधिकारी अवनी चतुर्वेदी ने MiG-21 की पहली उड़ान भरी और इतिहास रच दिया, क्योंकि वह लड़ाकू विमानों की एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर बन गई थी। फाइटर प्लेन के सफल उड़ान के बाद साल 2019 में दो अन्य महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू अभियान की सदस्य बन गई और इस तरह से भावना कांत देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई और ऐसा कमाल करने वाली वह बिहार की पहली महिला बनी थी। बिहार की बेटी राजस्थान के एयरबेस पर इन दिनों तैनात है। भावना के पिता तेज नारायण कांत कहते हैं कि भावना बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। वह हमेशा उड़ने के बारे में सोचा करती थी। इंजीनियरिंग करते समय भी उनसे एयरफोर्स में जाने की कोशिश जारी रखी थी। उसे अपनी कोशिशों का पूरा फल मिला, हमें उस पर गर्व है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावना अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आपको बता दें कि अब महिलाएं सेना के हर क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दिखा रही है। ऐसे में हम सभी उम्मीद करते हैं कि बिहार की बेटी आने वाले दिनों में दुश्मनों का खात्मा करते हुए आगे अपनी उन्नति करती रहे। 26 जनवरी 2021 को जब बिहार की बेटी फाइटर पायलट के रूप में जब अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी, तो उस समय सभी बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। हम बिहार की बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।